दौरान चल रहे सिटी वॉक फेस्टिवल में आज शाम को मूडी फूडी वॉक के तहत 56 दुकान पर वॉक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इंदौर को जानने के लिए आयोजित इस प्रकार की अनोखी वॉक में इंदौर के विभिन्न स्थानों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। इंदौर के 56 दुकानों में विभिन्न दुकानों पर जा जाकर वहां की व्यंजनों की वैरायटी के बारे में जाना तथा जो दुकानें यहां पर बनी हुई है उनके इतिहास की जानकारी भी दी गई। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद भी चखा। इस वॉक के दौरान वॉक लीडर अंकिता शर्मा ने बताया कि इंदौर में 56 दुकानों में किन किन दुकानों पर क्या क्या वैरायटी बनती है तथा ये अन्य दुकानों से अलग क्यों है, इस प्रकार इंदौर में बनने वाले स्वादीय व्यंजनों की जानकारी मिली। वॉक में इंदौर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के CEO विष्णु प्रताप सिंह राठौर एवं इंडिया विद लोकल्स के दिल्ली से आए प्रतिनिधि सोमी राय भी उपस्थित रही। इंदौर से ब्यूरो की रिपोर्ट। नीमच मोहर्रम पर्व पर जावद अठाना रहे दिन भर बंद, जिसके कारण लोग चाय पानी के लिए तरस गए। वहीं पुलिस प्रशासन भी दिन भर मुस्तैद रहा। सुन्नी मुस्लिम समाज ने हर्षोल्लास से निकाले ताजिए। हनुमान जयंती के चल समारोह में जावदखुरा चौक में चल समारोह पर पत्थरबाजी हुई थी, जिससे कुछ लोग घायल थे और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक के बीच दंगा फसाद हो गया था। उसी घटना को लेकर आज भी लोगों में आक्रोश व्याप्त है और मोहर्रम पर्व पर जावद अठाना नगर सुबह से ही बंद दिखाई दिए। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे SC ST एक्ट को लेकर माहौल गर्म होता जा रहा है। सर्वण समाज के लोग संगठन आए दिन किसी न किसी रूप में सरकार को घेरने में लगे हैं। इसी विरोध के तहत आज उज्जैन में 2 लाख सर्वणों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार से ब्राह्मण आयोग समिति बनाने SC ST एक्ट को संशोधित करने की मांग की। आपको बता दें कि सर्वणों के आंदोलन का उज्जैन शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अपनी 3 जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से कर चुके हैं और सत्ता पर काबिज भी हो चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस ने भी अपनी कई यात्राएं उज्जैन से ही शुरू की है। दरअसल उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर है और इस आस्था के साथ बाबा महाकाल से कुछ भी मांगा जाए तो वह हर मुराद पूरी करते हैं। इसको लेकर उज्जैन हमेशा राजनेताओं के आस्था और शक्ति प्रदर्शन का केंद्र रहा है। इसी आस्था को लेकर आज सपाक्स स्वर्ण समाज करनी सेना और ब्राह्मण महाकुंभ की शुरुआत उज्जैन से ही हो रही है। आज 2 लाख स्वर्ण इकट्ठा हुए और सरकार को जानकर घेरा। उज्जैन से ब्यूरो की रिपोर्ट। व्यापारियों ने शुरुआत में 5,000 रुपए से 5,200 रुपए तक की खरीदी की। यह सिलसिला दोपहर 2 बजे तक जारी रहा। दोपहर 3 बजे बाद व्यापारियों ने कपास खरीदी में भाव कम कर दिए, जिससे किसान नाराज हो गए। दोपहर बाद कपास का भाव कम होने से किसानों ने मंडी का गेट बंद कर कार्यालय को घेर लिया, जहां पर व्यापारियों और मंडी सचिव की घेराबंदी की ओर जमकर हंगामा किया। इस दौरान किसानों ने शिवराज सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। ये घटनाक्रम 1 घंटे तक चलता रहा। व्यापारी और मंडी सचिव निर्णय नहीं ले पा रहे थे। किसान मंडी कार्यालय को घेरे हुए हैं। सिवनी मालवा पेट्रोल पंप के समीप पलट गई यह बस, खंडवा से होशंगाबाद की ओर जा रही थी। इस घटना में 4 यात्री घायल हो गए। सिवनी मालवा अप्रोच रोड के आगे पेट्रोल पंप के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें मात्र 4 यात्री घायल हो गए। घटना में घायल हुए यात्रियों ने बताया कि हम ड्राइवर को कई बार मना कर रहे थे कि बारिश का मौसम है, गाड़ी धीरे चलाओ, लेकिन वह नहीं माना और तेज गति होने के कारण बस पलट गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हाँ, आज शाम को एक RJ फौजदार बस पलट गई अनियंत्रित होकर बारिश के कारण। उसमें चार लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें 2 लोगों के लिए एक्सरे के लिए दिखना पड़ा क्योंकि उनको थोड़ा सा चोट ज़्यादा लगी हुई है और बाकी स्थिति सामान्य है और इलाज प्राथमिक उपचार उनका कर दिया गया है, ड्रेसिंग कर दी गई। पानी बहुत गिर रहा है तो उसने इस तरफ से उस तरफ ले गया, बचाने में कंट्रोल नहीं हुई और गिर गई खाई में। नहीं तो ज्यादा स्पीड थी बस की? हाँ, अच्छी थी, मतलब स्पीड तो थी उसकी। तो आपने मना किया क्या, धीरे चलाओ? हाँ, बोले थे कि भैया थोड़े कम चलाओ, पानी ज्यादा आ रहा है। तो बस वो उससे कंट्रोल नहीं हुई और गिर गई खाई में। आज 3:30 बजे एक पोतार बस आ रही थी अपने हरदा साइड से, जो
अपना पेट्रोल पंप पास है, अपने ब्रिज के पास पेट्रोल आखिरी पेट्रोल पंप पास, वहाँ बारिश होने के कारण ड्राइवर तेजी से चला रहा था, उसमें पलट गई, जिसमें चार व्यक्ति घायल हुए। जी नाम बता दो उनके। जी जिनके नाम गणेश बल गुलाब रजक 43 वर्ष E6 अरेवला कॉलोनी भोपाल, अमरा भाई भाई बाप रमेश रघुवंशी बगवाड़ा, नारायण प्रसाद बल मोहन लाल लोवंशी बगवाड़ा, अखिलेश पिता राम गोपाल क्या लिया गाडिया गडरिया, उम्र 34 वर्ष, 239 साई बाबा नगर E6 अरेवला कॉलोनी भोपाल। इनको चोटें आई हैं जी मामूली की। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ढोल ग्यारस पर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के बाहर से भी कई बड़ी बड़ी मंडलियों ने पहुंचकर शानदार भजनों की प्रस्तुति दी। लगातार 3 दिन तक चलने वाली भजन मंडली का समापन हुआ। इस भजन प्रतियोगिता का इंतजार हर मंडली के सदस्यों को रहता है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में इतनी भव्यता होती है कि 2-2, 3-3 दिन तक आदमी अपना घर छोड़कर प्रतियोगिता को देखता रहता है। शिव राठौर ने बताया कि विगत 15 वर्षों से निरंतर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और समस्त क्षेत्रवासियों ने जनता का सहयोग से निरंतर इस प्रतियोगिता में भव्यता आरती की जाती है। ढोल ग्यारस पर्व के अवसर पर जागृत हिंदू संस्कृति रक्षक मंच द्वारा इस क्षेत्र की संस्कृति को पोषित करने के लिए विगत 15 वर्षों से ढोल ग्यारस पर्व के अवसर पर विराट इनामी भजन मंडली का प्रतियोगिता का आयोजन निरंतर चलता रहा है और यह आयोजन कल से प्रारंभ हुआ था दिनांक 19 जून 2018 को रात्रि 7 बजे से, जो कि आज का दूसरा दिन है और लगभग 21 तारीख को ये कार्यक्रम समापन होगा। बालाघाट नगर के सर्किट हाउस में गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प पत्र में सभी वर्ग का ध्यान रखते हुए उसे बेहतर बनाने के उद्देश्य से सभी समाज सेवी संगठन, धार्मिक, सामाजिक, व्यापारी, बुद्धिजीवी, खेलकूद व शैक्षणिक संस्थानों के अनुभवी विशेषज्ञों के साथ विस्तार से परिचर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार आपके ही सुझावों पर चलने वाली सरकार है और सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य साथ कार्य कर रही है, जिसमें आप भी अपनी सहभागिता हमारे लिए अत्यंत ही उपयोगी है। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार अपना संकल्प पत्र बनाने जा रही है। संकल्प पत्र में आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके द्वारा दिए गए सुझावों को हम प्राथमिकता के साथ साथ अपने संकल्प पत्र में सम्मिलित कर योजनाबद्ध तरीके से जन कल्याण के लिए काम करें। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन, एहसासन बोध सिंह भगत, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती लता एलकर, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य डॉक्टर टीडी वेद, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष राजकुमार रायजादा, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुआरे उपस्थित रहे।